और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां सिटी बस के चालक और कंडक्टर को चाकू से धमकाने वाले गुंडे को पुलिस ने उसी की अंदाज में सबक सिखाया है। जिस हाथ में चाकू था उसे तोड़ दिया, जिस बस में रंगदारी की उसमें पोछा लगवा कर साफ सफाई भी करवाई, सवारी और चालक परिचालक से माफी भी मांगी। सिटी बस में हुई इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोपितों पर अवैध वसूली का प्रकरण दर्ज किया गया था। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना खजराना गणेश मंदिर के समीप की है। पुलिस ने इलेक्ट्रिक बस के चालक दीपक रमेश शर्मा की शिकायत पर दो बदमाश अंकित और अतुल के खिलाफ अड़ीबाजी का केस दर्ज किया था। उमेश ने पुलिस को बताया कि वह बस में सवारी लेकर जा रहा था। आरोपितों ने ओवरटेक कर बस रुकवाई और मैजिक अड़ा दी। उससे मैजिक में गैस भरवाने के लिए 500 रुपए मांगे, रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने चाकू निकाला और दीपक की गर्दन पर अड़ा दिया। मामले में पुलिस ने सिटी बस से ही सीसीटीवी फुटेज निकाले और दोनों अब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि इस दौरान आरोपितों ने भागने का प्रयास किया और गिर कर घायल हो गए। टीआई के मुताबिक आरोपित अंकित पुत्र अनिल निवासी मित्रबंधु नगर और अतुल पुत्र मधुकर निवासी बंगाली कॉलोनी को गिरफ्तार कर उसी बस में लेकर गए जिसमें रंगदारी की थी। आरोपितों ने चालक दीपक से माफी मांगी और बस में बैठे यात्रियों से भी माफी मांगी।